बोला रे ज्ञान बिना हेर ज्ञान बिना भाई सत्संग में जाके युत काल बजाना ठीक नहीं। क्या बात है बताया। मात पिता और गुरु का जग में हे मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो काल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में हे मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। जोरदार तालियों सम्मान कर दो। आइए नंबर दो में क्या बताया। कुछ टाइम पे सेरा है? 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 कुछ टाइम पे सेर बनेगा तड़के फायदा सी ना जोरी में साहूकार बने हांडे पर नीत पड़ी रहे चोरी में। नीत पड़ी है चोरी में नसाबाज से के यारी जो पड़ा गाल की मोरी में सुबह उठ के तान करे नारे आग लगो ऐसे चोरी में। आग लगो ऐसे चोरी में फिर हरी नाम के हो जाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं।
बारे में बता दिया। कुछ ऐसे रिश्तेदार होया करते हैं जो हल्की सी बात पर भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका कितना ही भी भला कर लो पर लेकिन वो टाइम पे काम नहीं आते। आइए नंबर 3 में क्या कवि ने लिखा, क्या बताया भला? साहूकार मरे सड़के, साहूकार मरे सड़के, यार घोरे बैठी दगा कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के। मुंह देखी दिखे मुंह देखी कहे पंचायत मेरे वो सरदार मरे सड़के, वो सरदार मरे सड़के, यार मतलब कारण हो कारण प्यार करें हैं विश्वास दिखाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, हर मान घटाना ठीक नहीं। जेवर गांव में कोई पहलवान है, ये अखाड़ा भी बना हुआ है, अपने घर में लंगोट कसकर गुत्ता हो, अपने गांव में कुश्ती करता हो, अगर उसको हम बाहर गांव ले जाएंगे, बाहर अखाड़े में ले जाते हैं और वहां जाकर वो मना कर देता है गुथने के लिए, तो उसका कुश्ती लड़ना बेकार। अंतिम और चौथी बात में कवि ने कैसे लिखा है, आइए क्या बताएंगे। आग लगो छते रावण में, आग लगो छत रावण में, यार पढ़ के व्यस्ति जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में, कह रोशनी सुतरना जहां सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में, हेर ब्रह्मपाल जी हो ब्रह्मपाल ना घर बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं, ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक।